हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा पुलिस भर्ती में मिल सकती है इनको राहत, बच सकती है नौकरी। लगभग 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है ये भर्ती। 2018-19 की जो भर्ती थी आपके हरियाणा पुलिस के, जिसमें कॉन्स्टेबल भी है और SI भी है। क्या मामला है यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप हरियाणा ग्रुप डी बैच की या ग्रुप डी एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, ठीक है। और 3 दिन अभी स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है, आप KTTT ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी भी करवाई जाएगी, MCQ भी करवाए जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा। अब आते हैं जी हरियाणा पुलिस भर्ती मामले पर। तो देखिए, मेरिट में खामी के लिए आवेदक जिम्मेदार नहीं, उनकी सेवाओं पर होना चाहिए विचार, हाई कोर्ट। कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में नई मेरिट सूची बनने से बाहर होने वाले कर्मचारियों को राहत। यहाँ पे क्या मामला, देखिए, पुरुष कॉन्स्टेबलों के लगभग 5000 पद, 1150 महिला कॉन्स्टेबलों के पद और SI के 400 पद, मेल के और फीमेल के 63 पद। इस भर्ती की बात हो रही है जो 2018-19 में हुई थी। इस भर्ती में क्या हुआ था दोस्तों, जो ऑर्फन वाला मामला है ना, फादरलेस और ऑर्फन, फादरलेस और ऑर्फन का जो मामला है वो हो रखा है और इसके ऊपर केस चल रहा था लंबे समय से। तो इसमें HSSC की गलती मानी गई, कोर्ट ने ये कहा कि HSSC की गलती है, यानी कि जिन युवाओं ने केस किया था वो जीत गए। और HSSC ने फिर ये कहा कि हमारी गलती है और हम दोबारा से रिज़ल्ट को तैयार कर सकते हैं और जो योग्य होंगे उनको सिलेक्शन कर लेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। ये HSSC ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि ये उनकी थोड़ी कमी है जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल नौकरी कर ली, अब उनको आप हटा रहे हो, ये आपकी गलती है, तो आपकी गलती को युवा या पब्लिक क्यों भुगते। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन से बाहर होंगे या होने वाले हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनको आने वाली भर्तियों में या आने वाली जो पुलिस की भर्ती है उनमें जो पद हैं उनसे एडजस्ट कर दिया जाए अभी साथ में ही, ठीक है, या वेटिंग से कन्फर्म कर दिया जाए या नए पद क्रिएट करी जाए, कुछ भी किया जाए, इनको एडजस्ट करना चाहिए, इनके ऊपर विचार होना चाहिए। ये कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कितने दिन में रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, तो यहाँ पर 4 महीने का जो टाइम है DV के लिए दोबारा से दिया है 4 महीने का। तो 4 महीने के अंदर अंदर HSSC सारा काम करेगी और इसमें HSSC कह रहा है कि 1000 बच्चे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं टोटल, ठीक है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे सिलेक्शन से बाहर होंगे उनके ऊपर विचार ज़रूर किया जाए, ठीक है। तो ये मामला है भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।